मामा को बुलाइए ना। तुम्हें बुला रही है? पूछो अब के माने क्या है। अंकल जवेरिया पूछ रही है कि ये अब का मीनिंग क्या है। अगदे निखा बोले तो आप लोगों को मालूम है ना, आप ही बोलिए। अगदे निखा बोले तो मैरिज सर्टिफिकेट को बोलते हैं शायद, सही है ना शमशीर भाई? निकाह के अनाउंसमेंट को अगदे निकाह बोलते बेटा। मैं कल इसके सही माने पूछकर बता दूंगा। यहाँ पहले सिग्नेचर कर दीजिए, वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अंकल उसूल की बात है ना, बिना कोई चीज अच्छी तरह समझे कैसे दस्तखत कर दे, जिंदगी भर का सवाल है ये। अरे बेटा इन वक्त में क्या कद वकद लेके बैठे हो तुम, लोग क्या कहेंगे? ये सवाल का वक्त नहीं है बेटा, दस्तखत कर दो, दस्तखत कर दो बेटा। अम्मी अक्त के सही माने मालूम करना जरूरी है, इसके हालात मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अंकल आप जरा कल साहब को बुला दीजिए ना प्लीज। देखो जवेरिया तुम दुल्हन हो, दुल्हन को जैसा बड़े बोले वैसा सुनना पड़ता, वरना बहुत बदनामी होगी। देखो मेरी बेटी एजुकेटेड है, वो कोई बात लॉजिक के बगैर नहीं कहती, कोई ना कोई अहम बात होगी वो इसलिए पूछ रही है। ठहरो मुझे खाजी को बुलाने दो। सुनो अजी मर्दों को औरतों में कैसे बुलाते? मर्द तो पहले से ही है यहाँ पे, क्या ये मर्द नहीं है? खाजी साहब दो मिनट के लिए तशरीफ लाइए। या अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है भाई? खाजी साहब बच्ची दस्तखत करने से पहले कुछ पूछना चाहती है। हाँ हाँ जरूर पूछिए बेटा, क्या बात है? अभी अंकल क्या की पढ़ के सुनाए, सुर्ख दिनार मेहर और क्या क्या की बोले, क्या यही अक्ते निकाह है? हाँ बीबी इसी को अक्ते निकाह कहते हैं। एतराज ना हो तो एक बात पूछूं? हाँ बीबी जरूर पूछिए, जो भी है साफ साफ बताना चाहिए। अगर आपको इस निकाह पे कोई एतराज है तो ये निकाह बातिल हो जाता है और हम सब गुनहगार हो जाते हैं। आप खुलकर बताइए क्या बात है, क्या आपको ये अक्द निकाह पसंद नहीं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अक्द के माने क्या हैं? इसके माने तो बहुत मामूली हैं। नहीं ये मामूली बात नहीं है, आप प्लीज माने बताएं। इसके माने बहुत सिंपल हैं। इसके माने हैं एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा या अंडरस्टैंडिंग वगैरह। ये तो हुए लफ्जी माने। इस्तेलाही माने जो होते हैं, दोनों तरफ के लोग जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हैं उसको अक्द निकाह कहते हैं। आपने जो पेपर्स दस्तखत के लिए भेजे हैं क्या वो अक्द निकाह है? हाँ हाँ इसमें शक की क्या बात है। हाँ भाई आप बताइए क्या वो अक्द मुकम्मल है? हाँ हाँ आप मुझे खुलकर बताइए ना, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या इस अक्द में कोई गलती है? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो इस सिस्टम की है जो हमारे बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है। अच्छा ऐसी क्या गलती है जो हमको भी नहीं मालूम? ये लड़की के आसार मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे, ये लड़की आज ही हमारे बाप दादा को गिन रही है, पता नहीं कल क्या करेगी। हाँ बस सही बात है। शाहरुख पप्पा को और भैया को फौरन जल्दी बुला के लाओ, फौरन आना। अरे क्या हो रहा भाई? अंकल आंटी आपको बुला रही है अभी, और आपको भी आ रहे हम। क्या हुआ? देखो ये लड़की क्या बोल रही है। चलो हाँ तो बीबी आप क्या बोल रहे थे? हाजी साहब आपने अभी बताया कि अक्त यानी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है ना? हाँ हाँ। अग्रीमेंट तो एक नहीं बल्कि दोनों पार्टियों के दरमियान तय होने वाले कंडीशंस का नाम है। इसलिए जब ये राइटिंग में लिखा जाए तो दोनों पार्टीज के अग्री टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना चाहिए, तब इसको मुकम्मल अग्रीमेंट कहेंगे, वरना ये तो वन साइड अनाउंसमेंट है। हाँ आपकी बात सही है, मेहर तो दोनों तरफ के लोगों ने इत्तेफाक से तय किया है, हमने वही लिखा है, इसमें वन साइडेड की क्या बात है? वन साइडेड इसलिए कि आपने एक पार्टी ने जो देने का इत्तेफाक किया
यानी महर वो तो आप अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी से यानी मेरे वालिद से जो लेने का अग्रीमेंट किया यानी जोड़ा जहेज, आप उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बीबी ये तरीका नहीं होता, आपके वालिदैन जो दे रहे हैं वो जहेज है, वो खुशी से दे रहे हैं, उसका अक़्द निकाह से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो तो एक तोहफा है जो हर बाप अपनी बेटी को देता है। खाजी साहब प्लीज, मैं क्या कहना चाह रही हूँ समझें, ये तोहफा है या तोहफे का धोखा है, गौर कीजिए, क्या ये रैली खुशी से है? ना ये तोहफा है ना खुशी से, ये समाज का रस्म और रिवाज का जमाने से चला आ रहा एक धोखा है, ये एक सोशल प्रेशर है, एक इमोशनल ब्लैकमेल है, कौन कितना जहेज देगा और कौन कितना जहेज लेगा इसकी हिर्स है। प्रेस्टीज और वैनिटी का एक कंपटीशन है, खुशी से तोहफा लेने के लिए कोई देने वाले से नेगोशिएशन नहीं करता, बार्गेनिंग नहीं करता, बातचीत के लिए चार चार मीटिंग नहीं होती, बीच में ब्रोकर्स या मुशाताओं की जरूरत नहीं होती। खुशी से तोहफा देने वाले इस खौफ में नहीं जीते कि अगर तोहफा दामाद की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हुआ तो उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो सकती है। तोहफा जरूरत का सामान तो हो सकता है, लेकिन जोड़े की रकम, गाड़ी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, फ्लैट या प्लॉट और 500 मेहमानों का मयारी खाना तोहफा नहीं होता। खुशी से जो तोहफा दिया जाता है वो आदमी अपने हैसियत से देता है, तोहफा देने के लिए कर्ज लेना नहीं पड़ता, सूद देना नहीं पड़ता, घर या जेवर बेचने नहीं पड़ते। दामाद के घर वालों को खुश करने के लिए बेटों को उनके हक से महरूम करना नहीं पड़ता। ये चीजें चाहे महर हो या जहेज, जब सारी चीजें दोनों पार्टियों के दरमियान हार्ड नेगोशिएशन के बाद तय होती हैं, तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए, तब ये कॉन्ट्रैक्ट यानी अक्त कहलाने के मुस्ताहिक है, वरना सिर्फ एक पार्टी जो दे रही है उसको बड़ी शान से सबके सामने बयान करना और दूसरी पार्टी जो इतनी मुश्किलों से दे रही है उसको स्किप कर देना, क्या ये अक्त के वायलेशन नहीं है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? बोलिए, आप सब जानते हैं फिर भी आप अनजान बन रहे हैं, क्यों? क्या ये नाटक नहीं है? है, ये नाइंसाफी है, ये वाकई हमारे बाप दादा के जमाने से चली आ रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? खाजी साहब, आप ये सब अक्ते निकाह में मेंशन क्यों नहीं कर देते? ये तो उसूल है, हम जो दे रहे हैं वो भी लिखना होगा और वो जो दे रहे हैं उसे भी लिखना होगा, इसमें बुराई क्या है? पागल हो गया क्या? हथकड़ी लग जाएगी मालूम? जहेज लेना इलीगल है, कानून के खिलाफ है। अगर राइटिंग में दे दिए तो हम सब सेक्शन 498A एंटी डाउरी एक्ट के तहत अंदर हो जाएंगे। नवी साहब, कानून की बात तो बात की है, पहले तो जहेज और ये डिनर का खाना दोनों कुरान और सुन्नत की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है, ये इसराफ है, ये रिश्वत है जो हराम है, इसको लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नुमी हैं। दुल्हन वाले ऐसी चीजें देते क्यों हैं जिसकी रसीद ले नहीं सकते? तो दूल्हे वाले ऐसी चीज लेते ही क्यों हैं जिसकी रसीद दे नहीं सकते? अगर ये ऐसी रिश्वत है जिसको अक़्द निकाह में मेंशन नहीं कर सकते, जिसको छुपाना पड़ता है, मैं इन चीजों को इमोरल समझता हूँ। मैं ऐसे जोड़े जहेज को हरगिज़ हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर आप वाकई जोड़ा जहेज नहीं लेंगे तो एक बहुत बड़े गुनाह से बच जाएंगे, न सिर्फ आप बल्कि आपके माँ बाप और हम तमाम जो इसके गवाह बनने वाले हैं, हम सब गुनाह से बच जाएंगे। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। अरे भाईजान, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सब खरीद चुका हूँ और दे भी चुका हूँ, तो मेरी तो एक ही बेटी है, वो कहाँ जाएगी? मैं ये सब कुछ बेटी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। अंकल, मैं आपकी खुशी जरूर पूरी करूँगा, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा, मेरी और अपनी बेटी की खुशी पूरी करनी होगी। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए हर चीज करूँगा, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो आप इन सब के सामने वादा कीजिए। इंशाल्लाह, मैं वादा करता हूँ आपकी हर खुशी पूरी करूँगा। ये जहेज, ये रिसेप्शन का अरेंजमेंट, ये एक मर्द की जिम्मेदारी होती है, औरत की नहीं, और आपने जो खर्च किया
वो जायज नहीं है, इसीलिए कल मैं आपकी सारी रकम वापस कर दूंगा। आपको इन सबके सामने वादा करना होगा कि आप इसे कबूल करेंगे। अरे ये कैसे हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, हमारी तो नाक कट जाएगी, सोसाइटी में लोग हमें जलील करेंगे। जलील? आंटी जलील कौन होगा, जो सुन्नत पर अमल कर रहा है वो, या एक्सक्यूजेस ढूंढ कर सुन्नत पर नहीं चलने वाला वो? अरे नाक तो उनकी कटनी चाहिए जो सिस्टम के नाम पे, रस्म रिवाज के नाम पे अल्लाह और उसके रसूल से बगावत करते हैं। ये सिस्टम आप औरतों ने बनाया है और हम मर्दों को उसका गुलाम बना के रख दिया। लेकिन मैं वैसा मर्द नहीं हूँ। लोगों को ये कबूल है या नहीं वो छोड़िए, आपकी बेटी को ये कबूल है वो देखिए। जवेरिया, डू यू एक्सेप्ट इट? क्या आपको कबूल है? कबूल है, हाँ जवेरिया को कबूल है। मेरे बेटे ने एक मर्द होने का सबूत दिया है, जो हिम्मत एक बाप नहीं कर सका एक बेटे ने कर दिखाया। मुझे मेरे बेटे पर नाज है। बीवी, अब तो आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए ना, अब तो दस्तखत कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शादी मुबारक। नवीद साहब, शमशीर साहब, शादी मुबारक, शादी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊजु बिललाह मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लह व मन युदलिलहु फला हादियलह, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीकलह, व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔